सिंह का हाल और किसन ने बेटी छोड़ी जा वो मानस से।
रागनी पे ये फौजी भाई चंद्रभान जी यादव साहब 500 रुपए प्रदान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रभान जी यादव साहब। ये हमारे प्रधान जी राजेश जी तिगड़ाना से सठीन बैठे हैं। अच्छा 500 रुपए प्रदान करते हैं प्रधान जी राजेश जी तिगड़ाना से, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये मैनपाल जी प्रधान जी तिगड़ाना से ये भी 500 रुपए प्रदान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे मंत्री जी देखिए, चिंता का विषय है कि आज उसका राजपाट तक तो ताज सब छुटा हुआ है, उसके पास दो वक्त का खाना नहीं है जी, और हमारी राजकुमारी का हाथ मांगता है। ओहो क्या करें, ये चिंता है। नेथन एक कंगाल है बिल्कुल, गांव के अंदर घर नहीं है, सीट के अंदर खेत नहीं है, चूल्हे आग नहीं है, पेंडे पानी नहीं है, आग के पेट गला न कड़े तो राजा, ये चिंता की बात है। राजा प्रताप सिंह आपने जबान करी है बिल्कुल, हमारे पवित्र धाम हिंदुओं के घाट के ऊपर गंगा धाम पर, तो अजीत सिंह को लिख दो। अच्छा अजीत सिंह को जवाब लिख दो। हाँ बोलिए मंत्री जी क्या लिखवा रहे हैं। अजीत सिंह ये कोई घस खोदा की लड़की नहीं है, ये लिखना है क्या? नहीं तो, ये राजा प्रताप सिंह की लड़की है। ऐसे बोलो अजीत सिंह ये कोई भड़भूसा की लड़की नहीं है। तेरा दिमाग खराब है या तेरा कर रहा है? क्या बात, क्या लिखा रहा है? ये राजा प्रताप सिंह की लड़की है। ऐसे बोल, तो ऐसे बोल रहे हो आप, पहले जोर कर रहे हो। अजीत सिंह ये कोई पालस करने वाले की लड़की नहीं है। अरे मंत्री मेरा पहले से दिमाग खराब है। यह राजा प्रताप सिंह की लड़की है। ऐसे बोल, तो ऐसे बोल रहा हूँ। अजीत सिंह ये कोई ठठेरा की लड़की नहीं है। ये क्या लिखवाना चाहता है? ये राजा प्रताप सिंह की लड़की है। ऐसे बोल, तो ऐसे बोल रहा हूँ। अजीत सिंह ये राजा प्रताप सिंह की लड़की है। तेरे पास में 20,000 रुपए हो तो, 20,000 रुपए हो तो राज वाला को ब्याहने के लिए आए। अच्छा वरना वैसल पुर शहर की तरफ मुँह कर गणेश हो, नहीं तो उसके पास 20,000 रुपए होंगे, नहीं ब्याहने के लिए आएगा। 20,000 रुपए उसको मिलते हैं जो 50,000 के आसामी है। बिल्कुल ठीक है, अगर पेट गला निकट कौन देगा 50,000? ये पत्र उसी बुढ़िया को दे दो। आहा मैं देखता हूँ कैसे। बुढ़िया हाँ ये चिट्ठी लो, राजा प्रताप सिंह ने साइन कर दिए हैं। अच्छा और जवाब लिख दिया है अजीत सिंह के लिए। देखिए मैं आपकी लड़की से भी मिलना चाहती हूँ, वो कहाँ पर मिलेगी? वहाँ के फ्रिज में सवा मकान में मिलेगी। नहीं घूमने के लिए गई हूँ बाग बगीचे। नहीं नहीं ठीक है, आप हमारी लड़की से मिल सकती हैं, वो अपने कक्ष में है। अच्छा ठीक है मैं जाती हूँ। मन ही मन में सोचगी ओ तेरे जरा सी ना करी उस राज बाला के धो पूछगी। बुढ़िया हाँ मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आयुष्मान रहो। देखो कहीं आप मेरे कक्ष में कौन हो आप और कहाँ से आई हो? मैं अमरकोट से आई हूँ। अमरकोट से? और आपके पति के नाम की चिट्ठी लेकर आई हूँ। पति के नाम की चिट्ठी? हाँ ओड़ी को पड़तों का भागशाली बीरबानी का पति की चिट्ठी। लेकिन बुढ़िया मेरी तो की तो बात ही ना सालरी। देखिए पिताजी ने तो मेरी सगाई ना करी भी तक। आपका बचपन में रिश्ता तय हो गया था। बचपन में? बिल्कुल। देखिए बुढ़िया मेरे पिताजी ने कोई बात नहीं बताई मुझे कि हमारा रिश्ता कर रखा है। तुम्हारे पिताजी शादी नहीं करना चाहते बेटी, इसलिए नहीं बताया होगा। इसलिए नहीं बताया क्योंकि हमारे इस देश में अनेक प्रकार की सती हुई है जिन्होंने अपने पति का साथ दिया है। जी बेटी अमर कहानी हो जासे दुनिया में वीर सती की और राजबाला ले बांच में चिट्ठी लाई तेरे पति की। हिमाचल के घरा कमारी सुता जवान रहे थी, जोड़ी के बरतार बिना तबियत परेशान रहे थी, स्त्री का हो भगवान सती नुकरती ध्यान रहे थी, शिव शंकर अभिनाशी का वह धरती ध्यान रहे थी। 108 वर्ष शादी हुई बोले से पार्वती की और राजबाला लिबांच में चिट्ठी लाई तेरे पति की। तारा नगरी में उद्यादित राजा का भ्रम भरोटा
बगैर नी रानी के कहे तो पर क्या ना खरा और खोटा। बड़ा लड़का जगदेव कंवर रणधोल कंवर था छोटा, रणधोल कंवर को राज दिया जगदेव को दिया देसुटा। देसुटे के मां साथ गई थी हिम्मत वीर मती की, और राजवाला लिबास में चिट्ठी लाई तेरे पति की। और तुम्हारे पिताजी क्या कहना चाहते हैं? क्या तेरा बाप प्रताप अजीत की जड़ काटा चावे से, कपटी अंग मांग मिलाप नारा पाटा चावे से, बेटी कर इंसाफ जे पति का दुख बाटा चावे से, 20,000 रुपए की लिख दी बयान नाट्या चावे से। अच्छा। तेरे हाथ में डोर डाट ले इज्जत पुरुष सती की, और राजवाला लिबास में चिट्ठी लाई तेरे। देखिए बुढ़िया, हाँ मेरे पिताजी ने बड़ा ही गलत किया है उनके साथ में। आपके क्या विचार हैं और क्या कहना चाहती हैं बताइए। वो तो बड़े गरीब हैं, और 20,000 रुपए ये तो बहुत बड़ी रकम है। बुढ़िया सुनिए, पहले तो मेरे पति को मेरा प्रणाम देना। अच्छा। और मुझे मालूम नहीं था कि हमारा रिश्ता कर रखा है। सुनिए मेरी बात। हाँ जी, आशीर्वाद देते हैं। और ये पुट्टी ढुलरा बागपत यूपी से, मेरे चाचा सुभाष जी चौधरी राणावत, वो भी 100 रुपए से आशीर्वाद भेजते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ सुनिए बुढ़िया नंबर 2 की बात। हाँ जी, वो जति नर है Yeah।
भेजते हैं वाह चौधरी साहब। अच्छा साधु राम जी जो हमारे दादा दिलबाग जी के चाचा जी वो भी 100 रुपए से आशीर्वाद भेजते हैं। अब आशीर्वाद तो हम ही चाहते हैं। अरे हमारे दादा रूलिया सुई से 200 रुपए से ही मान सम्मान करते हैं। भाई ब्राह्मणों का आशीर्वाद भी काफी है। और इसी बीच ये दादा राम जी शर्मा ग्रोथ से 100 रुपए से आशीर्वाद भेजते हैं। और ये सुकुमार जी दादाजी पंडित जी वो भी ग्रोथ से 100 रुपए मान सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और तवरती भांजी चौधरी ग्राम ग्रोथ से 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं। और ये हमारे केसियर साहब माहिर जी हेड केसियर बापोड़ा से वो भी 100 रुपए मान सम्मान करते हैं। और ये हमारे केसियर साहब रामकुल जी विनोद केसियर गौशाला से 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं। और ये ग्राम किटाणी से ये दलीप जी प्रेमी ये भी 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए नंबर 3 की बात। दुनिया में हो समटे
चंदर लाल हो नीत खरी खोटी हो पर खड़ने हो से पार्टी का पहले भी सम्मान कर चुके हैं और 1000 रुपए से और आशीर्वाद देते हैं। अब आशीर्वाद तो हम ही चाहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक ग्राम बापोड़ा से ये दादा ओम प्रकाश जी शर्मा जो 100 रुपए से